लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे हॉट सीट रायबरेली पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, तो उनकी चुनावी कमान प्रियंका गांधी की देखरेख में चल रही है। भाजपा से दिनेश सिंह का चुनावी प्रचार खुद दो बार गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच में पूर्व विधायक सरेनी सुरेंद्र बहादुर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भाजपा के वो सबसे पहले कमल चुनाव निशान के लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन भाजपा ने रायबरेली से दिनेश सिंह को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को रिकॉर्ड मतों से हराकर ही संतुष्टि मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने खुद उनका भी पैसा ले रखा है, जिसे वापस नहीं कर रहे हैं। इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाते हुए सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी पर मुसीबत खड़ी कर दी। चुनाव के बस 48 घंटे शेष बचे हैं, लेकिन इस बीच में इस तरह का हमला भाजपा को किस मोड़ पर ले जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। परिचय तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन राजनीतिक परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। 1985 में मैं निर्दलीय विधायक चुना गया था और अंत में पांचवें वर्ष में आते आते बीच में ही हमको वीर बहादुर जी ने हमारे पूर्व को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा विधानसभा में घोषित किया था। लेकिन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे उनके साथ कांग्रेस को नहीं पता थी, और 90 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ था, तो चूंकि मैं सिटिंग MLA था तो सिटिंग गेटिंग उनके अध्यादेश के खिलाफ हम लोगों ने रात भर अनशन किया, और उसी के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन कर लिया। और भी चुनाव मैंने फिर दो अगला चुनाव मैं जलमऊ से भारतीय जनता पार्टी से हमको टिकट दिया गया था, सरेनी से गिरीश नारायण पांडे को दिया गया था, लेकिन कुछ वोटों हमको कांग्रेस का एसोसिएट मेंबर बना लिया। तो हम कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर थे, लेकिन आखिर में नारायण दत्त तिवारी जी जब चुनाव आने, मेरा उद्देश्य ये बताने का है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत आदमी को टिकट दे दिया है, जिसकी वजह से रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बुरी तरह से हार रहा है, पांचों विधानसभा हार रहा है, हो सकता है उसकी जमानत भी जब्त हो जाए। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ऐसे क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ और रहूँगा जब तक मोदी जी और योगी जी हैं राजनीति में, भारत की राजनीति में, तब तक मैं उनका प्रशंसक हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। लेकिन मैं प्रत्याशी, गलत प्रत्याशी, जिले के विकास को लूटने वाला प्रत्याशी, जिले की में कमीशन खाने वाला प्रत्याशी, केवल पैसे की राजनीति करने वाले प्रत्याशी को मैं कभी भी समर्थन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने को जिले में क्या, मैं मोदी जी को भी चैलेंज करता हूं कि मैं मोदी जी से भी ज़्यादा ईमानदार हूं और जिले का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं, इसलिए इस गंदे व्यक्ति को मैं समर्थन नहीं दे सकता। नहीं, मैं प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूं, प्रत्याशी के कारण, उसके रिकॉर्ड के कारण, उसके चरित्र के कारण, उसकी लूटमार नीति के कारण, उसके आपसी ठाकुरों को लड़ाने के कारण, जमीन कब्जा करने के कारण, अपराधियों पर मतलब बिना अपराध के मुकदमा लिखवाने के खिलाफ पुलिस और प्रशासन सब उसके माफिक कहने पर काम कर रही है। पुलिस जो भी कहता है वो पुलिस वो काम करती है, फर्जी मुकदमे लिखवाती है, सब कुछ कराता है वो, उसकी नीतियों के कारण। मैं रायबरेली को ऐसे ऐसे लोगों की राजनीति से दूर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं भाजपा जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूं, और इसके लिए हमको पार्टी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत यही है कि उसने गलत टिकट दे दिया और गलत लोगों को
हाईलाइट कर रही है। मनोज पांडे ऐसे गलत लोगों को पार्टी हाईलाइट कर रही है। पार्टी जमीन से जुड़े लोगों को नहीं जानती है, नहीं पहचान रही है। इससे पहले भी आपने पैसे के लेन देन को लेकर आरोप लगाए थे इन्हीं? बिल्कुल, बड़े बड़े यहाँ के पैसे वाले राजनीतिक के जो कुछ भी है, दिनेश सिंह ने भी मेरा पैसा लिया हुआ है और आज तक वो पैसा मेरा वापस नहीं। खैर, पैसा महत्व नहीं रखता, पैसा महत्व नहीं रखता, लेकिन ऐसे गलत लोग रायबरेली में पनपे और गरीबों का शोषण करें और पूरे पांच भाई मिल करके रायबरेली में शासन करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। ऐसे ऐन वक्त पे आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जब मतदान हो परसों, तो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मुझको ये विश्वास है कि जो प्रेस वाले होंगे वो आज समाचार भेजेंगे तो कल वो पेपर में आएगा, और आज तो संभवतः आप जो मीडिया वाले हैं वो आज शाम से ही आप लोग टीवी में मोबाइल में इसका प्रसारण शुरू कर देंगे। वोट देने के लिए ये 24 घंटे बहुत हैं, निर्णय लेने के लिए ये 24 घंटे बहुत हैं, और इसी हमारे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हमारे मीडिया प्रचार से अगर ये जिले में पहुंच जाएगा तो कम से कम इनके 1 लाख वोट इनके कम। मैं रिकॉर्ड हार चाहता हूं कि रायबरेली से आज तक जिस प्रत्याशी की दो नंबर में जो प्रत्याशी रहा हो उसका रिकॉर्ड हार अब की हो, दिनेश सिंह का रिकॉर्ड हार। क्या जानते दिनेश सिंह हारेंगे? दिनेश सिंह 5 लाख वोट से हारेंगे और दिनेश सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। दिनेश सिंह 5 विधानसभा हारेंगे। अब न कोई हेमा मालिनी उनको बचा सकती है, न मनोज पांडे बचा सकते हैं और न अमित शाह बचा सकते। ब्राह्मणों ने अपना निर्णय ले लिया है और वो अपना, आज मनोज पांडे का भाई एक असलहा बाबू की जमीन पर कब्जा करने गया था और उसको धमका रहा था कि मैं भाजपा में आ गया हूँ और तुम्हारी ये जमीन हमारी है, तुम्हारी नहीं है, उसकी जमीन से अपनी जमीन के लिए रास्ता निकाल रहा था। वो आया हुआ है मिलने के लिए, लेकिन यहाँ तक क्यों नहीं आया